हमने पहली दफा फॉरेन बाइंग देखी है. मैं इंस्टीट्यूशनल बायर्स को मिलता रहा हूँ वॉशिंगटन डीसी में और यहाँ पिछले हफ्ते भी उनसे मुलाकात हुई है. सो देयर इज फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आल्सो कमिंग बैक इनटू पाकिस्तान और ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बिकॉज बोथ डोमेस्टिक एंड द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर बिगिनिंग टू शो ए लेवल ऑफ ट्रस्ट इन टर्म्स ऑफ द वे वी आर मूविंग फॉरवर्ड. अब यहां से हमने आगे कैसे जाना है कि ये जो 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट साइन हुआ, दिस इज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हु टुक इट थ्रू द फिनिशिंग लाइन इन हिज प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाज अंडर हिज वॉच कि ये सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ. और इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि जो केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको भी पूरा क्रेडिट जाता है इन टर्म्स ऑफ showing the necessary discipline to take us through the finishing line on the 9-month SPA. अब ये जो मुजाकरात होने जा रहे हैं, जैसे आपको मालूम है कि वो टीम पहुंच चुकी है, कल सुबह उनके साथ फॉर्मल किक ऑफ है और उसके इस तकरीब के फौरन बाद मैं इस्लामाबाद रवाना होऊंगा ताकि वो उसकी प्रेपरेटरी मीटिंग जो है वो इस वक्त जारी हैं. तो ये जो प्रोग्राम है इट्स अबाउट longer and a bigger program. और उसकी दो वजूहत हैं. एक तो ये है कि हमने परमानेंस लानी है, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें इस वक्त नजर आ रही है, और दूसरा है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है. और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ये जो पैनलिस्ट हैं इन्होंने बहुत जबरदस्त बातें की हैं एंड देयरफॉर आई डू थिंक दैट द इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट आर वेरी अलाइंड इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड. ये जो प्रेसिडेंट साहब ने पहले बातें की हैं कि हमने ये इसको जो बर्डन ऑफ टैक्स है इसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो डॉक्टर हफीज पाशा यहाँ सारे बात करके गए हैं कि टैक्स टू जीडीपी कहाँ है, हमारे जो करीबी ममालिक हैं वो कहाँ हैं और इसको हमने आगे कैसे लेके जाना है. तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी. देयर आर थ्री वेरी की रिफॉर्म्स जिन पर हम काम कर रहे हैं. टैक्स टू जीडीपी, द सेकेंड थिंग इज एनर्जी, उससे मैं एक मिनट में वापस आता हूँ, एंड द थर्ड थिंग इज एसओई रिफॉर्म्स एंड द प्राइवेटाइजेशन एजेंडा, क्योंकि उस पर भी यहाँ बातें हुई हैं. तो टैक्स टू जीडीपी में हमें दो चीजें करनी है. पहली बात तो यह है कि जो इस वक्त लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें हमने इन्फोर्समेंट लानी है. पीओएस की बात हुई, वो आज से 3-3.5 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ और इस वक्त सिर्फ 9,400 पीओएस इंप्लीमेंटेड है. टैक्स एंड ये ट्रैक एंड ट्रेस की बात हुई, उसमें मैं पहली बात कर चुका हूं कि फंक्शनैलिटी थी, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई. वो कैसे नहीं हुई और क्यों नहीं हुई उसको हम दोबारा आगे लेकर जा रहे हैं और उसको, क्योंकि ये शुरू होना था टोबैको से, फिर आना था शुगर पे, फिर फर्टिलाइजर पे, फिर सीमेंट पे एंड देन इनटू अदर सेक्टर्स एंड द रियलिटी इज डिड नॉट हैपन द वे इट वॉज सपोज टू हैपन. तो उसमें हमें एनफोर्समेंट लानी है एंड ये सारी वो जो लीकेजेस हैं इनको हमने रोकना है और फिर वी हैव टू ब्रिंग अंडर टैक्स एंड अनटैक्स सेक्टर्स इनटू द पिक्चर. और देखें ये कोई अभी बात हो रही थी फेलियर हो गया नहीं फेलियर हो गया, ये कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं है, बट वी हैव टू स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि अगर हम शुरू नहीं होंगे तो वहां पहुंचेंगे नहीं. तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की, कि जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन रुकती जाएगी उतनी इसमें बेहतरी आएगी, महसूलात में भी बेहतरी आएगी, ट्रांसपेरेंसी में बेहतरी आएगी और क्लाइंट एक्सपीरियंस में बेहतरी आएगी. और हमने मैकिन्जी को अपॉइंट कर दिया है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, दिस बीइंग फंडेड बाय द गेट फाउंडेशन और मंडे से कल सुबह से इंशाल्लाह दे विल गेट मोबिलाइज टू वर्क विद द टैक्स अथॉरिटी टू स्टार्ट मूविंग इन दिस एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन. दूसरी बात हुई जी कंपेटिटिव एनर्जी की. जितनी बातें यहां कही गई हैं वो बिल्कुल ठीक कही गई हैं और हमें उनको बिटवीन द मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, इनको उनके साथ हम इसको आगे लेके जा रहे हैं. उसमें भी दो चीजें हैं, इन्फोर्समेंट एंड व्हाट वी नीड टू डू इन टर्म्स ऑफ इस्तलाह. इन्फोर्समेंट इन केस ऑफ एनर्जी इज लीकेज व्हिच इज एन यूफिज्म फॉर थेफ्ट. तो हमने उस थेफ्ट को रोकना है और वहां इन्फोर्समेंट आएगी. और दूसरी चीज है कि हमने जो डिस्कोज हैं, जो अभी ट्रांसमिशन की बात की गई, डिस्कोज को हमने कैसे लेके जाना है आगे, उसकी पहली चीज आप देखेंगे कि हमने उनके जो बोर्ड्स हैं उनको हम चेंज कर रहे हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग ला रहे हैं
और वो इंशाल्लाह जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो आप देखेंगे जो वैस लगारी साहब उसको आगे कैसे लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक टू 10 डेज यू विल सी द अनाउंसमेंट्स अबाउट दोज बोर्ड्स और फिर ये जो डिस्कोज हैं इन आपने इनको कंसेशंस की तरफ लेके जाना है आला टर्किया और या प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ तो ये चीजें हम आगे लेके जा रहे हैं एंड द थर्ड थिंग इज एसओई रिफॉर्म्स देयर इज नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक एसओई और ये मैं चूंकि खुद कैबिनेट कमेटी को चेयर कर रहा हूं ऑन एसओई फ्राइडे को आपने देखा डार साहब ने जो मीटिंग चेयर की ऑन द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन वी आर एब्सोल्युटली ऑन द सेम वेवलेंथ कि देयर इज नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक एसओई तो कल ये जो मीटिंग होगी इंशाल्लाह दोपहर में वी विल गो बैक टू द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड टू से कि ये सब कुछ आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें और इंशाल्लाह हम इसको इसी तरह आके लेके जाएंगे और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है वो भी होगी एंड वी एक्सेलरेट द प्राइवेटाइजेशन एजेंडा सो आई थिंक देखिए मैं इसमें आकर सिर्फ ये बात कहूंगा कि जो बातें कही गई हैं वी आर टेक ऑल ऑफ दोज प्रपोजल्स ऑन बोर्ड प्राइवेटाइजेशन में भी जिस साहब ने भी कहा कि आप सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स देख रहे हैं बोथ इन पीआईए एंड इन द इस्लामाबाद एयरपोर्ट दे आर लोकल इन्वेस्टर्स हु आर बिडिंग एंड आई होप दे टेक इट फॉरवर्ड विद द फॉरेन ऑपरेटर्स तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को देख रहे हैं एंड आपने जो बात की खवातीन की जो पार्टिसिपेशन है एब्सोल्युटली क्रिटिकल हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है बांग्लादेश को देखने की जरूरत है पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन द वर्कफोर्स इज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ दे हैव टेकन इट फॉरवर्ड मैं वंस अगेन जी एफबीसीसीआई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप लोग संडे को आपने ये यहां ये महफिल जो है मुनक्कद की वी विल इंशाल्लाह दिस इज द स्टार्ट ऑफ द डायलॉग वी विल इंशाल्लाह स्टे इन डायलॉग एंड टेक इट फॉरवर्ड विद योर हेल्प इस तरह आके लेके जाएंगे और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है वो भी होगी एंड वी एक्सेलरेट द प्राइवेटाइजेशन एजेंडा सो आई थिंक देखिए मैं इसमें आकर सिर्फ ये बात कहूंगा कि जो बातें कही गई हैं वी आर टेक ऑल ऑफ दोज प्रपोजल्स ऑन बोर्ड प्राइवेटाइजेशन में भी जिस साहब ने भी कहा कि आप सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स देख रहे हैं बोथ इन पीआईए एंड इन द इस्लामाबाद एयरपोर्ट दे आर लोकल इन्वेस्टर्स हु आर बिडिंग एंड आई होप दे टेक इट फॉरवर्ड विद द फॉरेन ऑपरेटर्स तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को देख रहे हैं एंड आपने जो बात की खवातीन की जो पार्टिसिपेशन है एब्सोल्युटली क्रिटिकल हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है बांग्लादेश को देखने की जरूरत है पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन द वर्कफोर्स इज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ दे हैव टेकन इट फॉरवर्ड मैं वंस अगेन जी एफबीसीसीआई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप लोग संडे को आपने ये यहां ये महफिल जो है मुनक्कद की वी विल इंशाल्लाह दिस इज द स्टार्ट ऑफ द डायलॉग वी विल इंशाल्लाह स्टे इन डायलॉग एंड टेक इट फॉरवर्ड विद योर हेल्प बहुत शुक्रिया जी थैंक यू